नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बनाना पील का हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, कैसे इसकी कंपोस्ट बना सकते हैं और इसे हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को चार तरीके बताऊँगा बनाना पील को यूज करने के। तो बहुत ही अब मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि बनाना पील का यूज क्यों करेंगे। देखिए, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एनपीके, जो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो एनपीके के बारे में जानते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम जो कंपोस्ट अपने पौधे में देते हैं तो रूट्स तो उस कंपोस्ट को ले लेती हैं पर उसे वो ऊपर तक पत्तियों तक नहीं पहुँचा पाती हैं, या फिर क्या होता है कि जो पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो भोजन बनाती हैं वो पत्तियाँ भोजन तो बना लेती हैं पर वो रूट्स तक नहीं जा पाता है। तो इसमें जो अहम रोल होता है वो होता है पोटेशियम का। पोटेशियम की वजह से ही पौधे जो रूट्स नीचे से पानी लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उसे वो ऊपर पौधे में पहुंचाती हैं और पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाते हैं वो रूट्स तक पहुंचाते हैं, मतलब पूरे पौधे में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पोटेशियम की कमी की वजह से ऐसा होता है कि पौधे की क्रिया तो अच्छी होती है पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं, टच में नहीं रह पाते हैं, इसलिए उनकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आज हम इसी भी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दूं कि बनाना पील जो होता है इसमें पोटेशियम काफ़ी रिच मात्रा में होती है। इसके अलावा इसमें आयरन, जिंक और ढेर सारे माइक्रो एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब भी हम बनाना पील से फर्टिलाइज़र बनाने की बात करते हैं तो हम इसे डीकम्पोज नहीं करते हैं, क्योंकि डीकम्पोज होने में कोई भी फर्टिलाइज़र करीब 1.5 से 2 महीने लेता ही लेता है, तभी वो डीकम्पोज होता है। तो हम इसे डीकम्पोज नहीं करते। इसके अंदर का जो पल्प है, ये मैं दिखाऊं आपको, ये वाइट कलर का पल्प, ये पोटेशियम रिच होता है। तो इस पल्प को नॉर्मली हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में और उसी वाटर को हम इस पॉट में देते हैं। तो हमारा मेन मकसद बस इतना होता है कि पानी में हम इसे भिगा के रख के इस जो पल्प है उसे पानी में डिजॉल्व करें और उस पानी को हम यूज करें। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, जो पहला मेथड है मैं आपको दिखाऊं कि इसके छोटे छोटे पीसेस करके हमने पानी में भिगा के रखा हुआ है। किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और उसमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भिगा के डाल दीजिए और करीब 12 से 14 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। अब इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। पूरे जो बनाना पील आपने डाले हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो पूरी बनाना पील जितना है उससे पानी की मात्रा अधिक होगी, वो अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। फिर इसे 12 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद जितनी हमारी बनाना पील फर्टिलाइज़र रेडी हुई है उससे करीब 5 गुना पानी हम इसमें ऐड करेंगे और अपने पौधों में देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला मेथड कि बनाना पील फर्टिलाइज़र रेडी होने के बाद जितनी कंपोस्ट की मात्रा है उससे 5 गुना इसमें पानी ऐड करेंगे। इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं देते, क्योंकि अगर ऐसे ही देंगे तो इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जब हम वो पौधों में दे देते हैं तो पोटेशियम रिच हो जाने की वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और बाकी चीज़ों की कमी होने लग जाती है, क्योंकि बनाना में नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी आप ये मान के चलिए नहीं होती है। तो फिर जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में पौधे को मिलने लग जाती है तो बाकी चीज़ों को पौधा लेना छोड़ देता है, इस वजह से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से पौधा मरने लग जाएगा। इसलिए हम इसको करीब 5 गुना पानी मिला के ही पौधे को देंगे। ये हो गया पहला मेथड। अब दोस्तों, मैं हम दूसरे मेथड की बात करें तो ये बनाना पील है, इसे हमने धूप में रख के सुखा लिया है। इस प्रकार देखिए ये ड्राई फॉर्म में हो गया है। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद कुछ इस प्रकार ये पाउडर फॉर्म में दिखेगा। तो इसे भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, मैं आपको दिखाऊं। इसे आप डायरेक्ट पौधों में डालकर, पौधे की जो मिट्टी है उसमें डालकर आप वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको पानी में 1 से 2 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर उसे आप अपने पौधों में दे सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ दोस्तों बनाना पील को यूज करने का। तो दो तरीके ये हो गए। अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं।
तो तीसरा मेथड है, देखिए दोस्तों ये छिलके हैं बनाने के, तो इसे हम किसी भी मिट्टी के नीचे दबाकर छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि करीब 15-20 दिन या एक महीने में ये मिट्टी में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और मिट्टी को फर्टाइल कर देंगे। तो जो मिट्टी आप जिस मिट्टी में इसे बनाना पील को आप दबा के छोड़ते हैं, वो मिट्टी आपकी पोटेशियम से भरपूर मात्रा में रिच हो जाती है। और उसके अलावा उसमें आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आपका मिट्टी फर्टाइल हो जाता है और किसी भी पौधे को लगाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका इसी बनाना पील से ही हम बनाएंगे और वो काफ़ी इंस्टेंट यूज करने के लिए, जैसे ये हम आपको दिखाते हैं कि इसे हमने जो है बना के रखा हुआ है 12 घंटे पानी में डिजॉल्व करके छोड़ा हुआ है, तो हमें इसी तरह से बनाना है पर हमें 12 घंटे का वेट नहीं करना है। इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और मिक्सी के बॉल में इसे डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके हमने मिक्सी में डाल लेना है। और इसमें हमें हल्का वाटर ऐड करके देखिए हल्का सा इसमें वाटर ऐड करेंगे हम और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इस प्रकार से ये पेस्ट बन चुका। तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नॉर्मल वाटर लेंगे और इस पानी में हम इसे अच्छे से डाल के, ये देखिए जो पानी है इससे हम इसको अच्छे से खंगार लेंगे इसमें, और जितना भी जो बनाना पील हमारा था ये इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से घोलने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइजर को, रेडी टू यूज लिक्विड फर्टिलाइजर को हम अपने प्लांट्स में यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता भी हूँ कि किस प्रकार से हमें इसे यूज करना है। तो दोस्तों इसमें एक प्रिकॉशन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बनाना पील फर्टिलाइजर यूज करें तो मैच्योर पौधों में यूज करें, जो अभी न्यू जर्मिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें यूज ना करें, क्योंकि उनमें पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा हो जाने की वजह से वो पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न्यूली जर्मिनेटेड पौधों को NPK बराबर मात्रा में चाहिए होता है। तो आप जब भी अपने पौधों में ऐसी कंडीशन में बनाना पील फर्टिलाइजर यूज करें जब वो कलियाँ ले रहे हों, फ्रूट प्रोड्यूस करने की स्थिति में हों, जैसे ये देख रहे हैं आप मेरे पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको और कुछ नई बड्स आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यूज करते हैं इसमें तो इसमें ढेर सारी फ्लावर्स आएंगी। और एक चीज़ और कि जब भी बनाना पील फर्टिलाइजर यूज करें उसके 15 दिन बाद करीब आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जरूर यूज करें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये फर्टिलाइजर ले लिया है और इसमें हमें जब भी आप फर्टिलाइजर दें तो मिट्टी को पहले से नम रखें, इसमें पहले से वाटरिंग किए रहें, बहुत ज़्यादा नम नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, और फिर इस फर्टिलाइजर को आप इसमें दे दें। इस प्रकार से देखिए हमने ये फर्टिलाइजर इसमें दे दिया। और दूसरी चीज़ इसके बाद जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जब भी आप बनाना पील फर्टिलाइजर देते हैं उसके बाद पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना दें आप मिट्टी में, नमी ऐसा ना हो कि मिट्टी सूख जाए बहुत ज़्यादा, तो नमी चेक करें। पानी की मात्रा ज़्यादा होने से जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं, ये कुछ तरीके थे कि बनाना पील फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, कैसे यूज करें। तो चार तरीके जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कोई बात आपको काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।